मेरी प्यारी बेटी, तेरे नसीब जाग गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी बेटी के साथ वो ऐसा करेगा। आपका ये डर ही उसकी ताकत है अम्मी। काशिफ बार बार मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि अदनान ने क्या जवाब दिया, मैं क्या कहूँ। अरे अदनान आज अकेले, एनी कहाँ है? तो ये बात है, वैसे आजकल ये वकार काफी एनी के इर्द-गिर्द मंडलाता नजर आता है। दोनों की दोस्ती बढ़ती जा रही है। अरे अदनान, अदनान सुनो तो। अदनान कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कमाल है, मैं तो यहीं था, शायद तुम ही देखना चाह रही थी। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? फुर्सत मिल गई मेरे बारे में सोचने की। क्या कह रहे हो अदनान, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। परेशान हो? लग तो नहीं रहा, अभी तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के वकार से बात कर रही थी। अच्छा तो ये बात है, कुछ जलने की बू आ रही है। मैं सीरियस हूँ यानी। क्या बातें कर रही थी तुम वकार से, वो भी इतनी सीरियस होकर, जैसे सबसे जरूरी काम है वो और कोई काम ही नहीं तुम्हें जिंदगी में। मुझे वाकई बहुत जरूरी काम था, इसलिए वकार के पास गई। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे जरूरी काम। मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्या काम था जो मैं नहीं कर सकता? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और क्या करूं मैं, पूरी यूनिवर्सिटी बातें कर रही है, पागल हुआ है तुम्हारे पीछे। सब लोग कुछ भी कहें लेकिन मैं तो एक ही इंसान से प्यार करती हूँ जो मेरे सामने बैठा है, लेकिन अगर उसे मेरी वफा पे एतबार नहीं है तो दुनिया को यकीन दिलाने से क्या फायदा। यानी तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खुद ही आंसुओं का सबब बनते हो और खुद ही अनजान बन जाते हो। तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार, नहीं देख सकता किसी और के साथ। जिस रिश्ते की बुनियाद में शक की मिलावट हो जाए वो रिश्ता ज्यादा देर तक अपने कदमों पर खड़ा नहीं रह सकता। शक नहीं कर रहा तुम पे यार, लेकिन नहीं खोना चाहता तुम्हें बस। लेकिन इस तरह तुम मुझे जरूर खो दोगे। अच्छा आई एम सॉरी यार, मैंने हर्ट किया तुम्हें। तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। मुझसे शादी करोगे? मैं जानना चाहती हूँ अपने कि हमारे इस ताल्लुक का कोई मुस्तकबिल भी है। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैं जानती हूँ अपने, लेकिन मैं जिंदगी के उस दौराहे पे खड़ी जहाँ मेरा फैसला करना बहुत जरूरी है। कैसा फैसला? मेरे घर वाले जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे? यानी तुम मुझे कैसा लड़का समझती हो यार, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। नहीं अदनान, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। तो फिर अपनी अम्मी को मेरे घर भेजो। लेकिन लेकिन क्या? अम्मी को मनाने में कुछ वक्त लगेगा मुझे। खुदा खैर करे, यानी पता नहीं कहाँ रह गई। सलाम अलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ रह गई थी तू? पुलिस स्टेशन गई थी अम्मी। क्या, पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? रिपोर्ट दर्ज करवाने। क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्यों परेशान होती हैं अम्मी? मैं पुलिस स्टेशन गई थी आपके शोहर और उसके दोस्त अकबर के खिलाफ एप्लीकेशन देने। क्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या कह रही है तू? मैं तुझे इसलिए घर से बाहर भेजती हूँ कि तू इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करती फिरे। अगर बशीर और अकबर भाई को पता चलेगा पता नहीं हमारी क्या हालत बना दे। तुझे ये सब कुछ करने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। क्या पूछती मैं आपसे, आपने मुझे मना कर देना था। आप तो उस इंसान के साए से भी डरती है। तो क्या करूं, कत्ल कर दूं तेरे बाप का, खुद बेवा हो जाऊं और तुझे यतीम कर दूं? ऐसे बाप से तो यतीम होना बेहतर है। तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं देखा किसी ने। आप फिक्र ना करें, पुलिस वाले हमारे साथ हैं। तू नहीं जानती,
अकबर जैसे बदमाशों ने ऐसे पुलिस वालों को खरीदा होता है। अम्मी सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। इतनी देर बाद आई हूँ मैं, अभी तो आपको मेरी फिक्र हो रही थी और अब। बेटा मुझे तेरी फिक्र ही तो खाए जा रहे है, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा, इसीलिए तो चाहती हूँ कि तेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। अम्मी आपको किस्मत पे यकीन है? तो फिर मेरी किस्मत में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा, आप क्यों परेशान होती? मेरी जान, माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है, मुकद्दर भी बदल देती है। तो फिर दुआ करें ना मेरे लिए, दुआ करने से किसने मना किया है? दुआ करें कि मैं अपने इरादों में कामयाब हो सकूं। आप मेरी ताकत है अम्मी, कमजोरी नहीं। अच्छा बाबा, तू जीती मैं हारी, ये हुई ना बात। चले हम जल्दी से खाना खिलाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ भाई जी, बशीरे की बेटी ने रिपोर्ट करवा दी पुलिस में। सरकार कोई बुरी खबर है क्या? खबर तो बुरी है सरकार, इतनी औकात तो नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? बशीरे, तेरी रानी ने हमारे खिलाफ थाने में दरखास्त दे दी है। क्या? अब सरकार आपके बंदे को गलत फहमी हुई होगी, यानी वो रिपोर्ट दर्ज करा है वो भी थाने? ये सच है बशीरे, वो तूने सुना नहीं जो कहते हैं कि चूटी के पड़ निकल आते हैं? सरकार पर काटने मुझे बड़ी अच्छी तरह से आते हैं, देख लूंगा दोनों माँ बेटियों को। मैंने की जरूरत कैसे हुई आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की? बस हो गई है? और तूने ना अपने कार की औरतों को बहुत ज्यादा टेल दे रखी है। मेरे कार की औरत होती तो टकरा देता। बशीरे क्या सोच रहा है? सरकार मैं तो उस लड़की की हिम्मत पे हैरान हो रहा हूँ। उसकी यही अदा तो मार गई है। तूने अपनी बेगम साहबा से बात की थी? अब सरकार से वह बात कर लूंगा, और उस एनी से भी, वो भी मुझे जानती नहीं है। ये मुझे छोटी कचहरियों की तरह तरीकों पे तरीके ना देता रहा कर। बात कर उससे, और तेरे पास सिर्फ दो दिन है, उसके बाद तुझे पता है कि मुझे और तरीके भी आते हैं। सरकार मैं क्या करूं, उन दोनों बेवकूफ औरतों को समझ नहीं आ रही कि उनका नसीब जागने वाला है। लेकिन आप फिक्र न करें सरकार, मैं उस दोनों को समझा के ही बाज आऊंगा। और कितने दिन है तेरे पास? दो दिन। दो जी सर। और बात सुन, उस दरखास्त में तेरा नाम भी नॉमिनेट हुआ है, हैं? इसलिए जरा ध्यान से बात करना, बिगाड़ना देना बात। क्या मेरा नाम कैसे दे सकती है? वैसे ही दे दिया है जैसे दे सकती है। ये सोच रहा है? और खाली सोच ना, दबा भी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त फोन किया, खैरियत है? बस आप बहुत याद आ रहे थे,
तो सोचा आपको फोन कर लूं, आपसे बात कर लूं। साइमा, मैं सो रहा था, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अभी इतना टाइम तो नहीं हुआ। तो क्या आप तुमसे इजाजत लेकर सोता? नींद आ रही थी, सो गया हूं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब बोलो, क्या कहने के लिए फोन किया? काशिफ, मैं जब से अम्मी के घर आई हूँ आपने मेरा हाल नहीं पूछा। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल करें। देखो साइमा, तुम मेरी बीवी हो। कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो कि मैं तुम्हें बार बार फोन करके पूछूं कि तुम्हारा हाल क्या है। सब कुछ ठीक ही होगा। आपको कैसे पता कि सब ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, कल मैं चेक लगाऊंगा। सच, आप कल आएंगे? हाँ हाँ, और फिर हम दोनों डॉक्टर के पास भी चलेंगे। अच्छा, लेकिन क्यों? चेकअप करवाएंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, और फिर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बेटा ठीक है ना। काशिफ, बेटी भी हो सकती है और बेटियां तो रहमत होती हैं। नहीं, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। और अगर बेटी हुई तो? काशिफ, आपने जवाब नहीं दिया। अगर बेटी हो गई तो? मेरा बेटा ही होगा। मैं सो रहा हूं, कल तुमसे मुलाकात होगी। नाश्ता बन गया, मैं लेट हो रही हूँ। नाश्ता बन गया बेटा, आ गई बस। ये लो। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मैं देखती हूँ। अच्छा, आ रही हूँ। छाने गई है रिपोर्ट दर्ज कराने। शर्म ना आई तुझे अपने बाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए? अब मेरी इज्जत का खतरा निकाल दिया इसने। इज्जत? जानते भी है इज्जत क्या होती है? आपकी वजह से हमारी बदनामी हो गई। क्यों आ गए? वापस चले गए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। शर्म कर, शर्म कर। बाप से बात कर रही है तू? बाप से? बाप? बाप का मतलब भी पता है आपको? बाप वो साहिबान होता है जो अपनी औलाद को दुनिया की धूप और सर्द हवाओं से बचाता है, और आप तो आ गए हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए। दोबारा समझा दे इसको, इसकी जिद इसको तबाह कर देगी। इसकी कैंची जैसी जबान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कर लेगा, जिसने बर्दाश्त करनी होगी कर लेगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, प्लीज यहां से चले जाएं। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? कई बार तो चक्कर नहीं चलाया हुआ तूने? खबरदार, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, समझे तुम? डैडी जा, मेरा बच्चा तू अंदर जा। क्यों अम्मी, क्यों जाऊं मैं अंदर? नहीं जाऊंगी, मेरा घर है ये, और आप क्यों आ जाते हैं यहां पर रोक जमाने के लिए? मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, समझा दे इसको वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। देखता है ना? देख मैं तुझे समझा रहा हूं, अकबर भाई से इसका रिश्ता कर दे वरना मामला मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्या चाहिए तुझे? दौलत, पैसा, वो तो तुझे मिल रहा है, और क्या चाहिए तुझे? क्या शराफत चाहिए हमें? शराफत का मतलब भी पता है आपको? आपको कैसे पता होगा? आप तो अपनी बेटी की शादी उससे करें जिसकी उम्र आपके जितनी है,
पूरे शहर का मशहूर तरीन बदमाश है वो। और पैसा, पैसा तो पता नहीं उसने किस किस का खून करके जमा किया होगा, लेकिन इस सबसे आपको क्या फर्क पड़ता है? अब तो सिर्फ ये बताएं कि अपनी बेटी का सौदा कितने में किया आपने। बंद कर बकवास, बंद कर। अदनान जी। मैं बेटा, साइमा की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान है। तुम्हें इस तरह से उसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी, अब आप लोग मेरी बात नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? लेकिन फिर भी बेटा, तुम्हें इस तरह से उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। कहाँ है भजिया? मैं बात करता हूँ सर। अपने कमरे में है। आ जाओ। आमी बजिया, अम्मी बता रही हूँ कि तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हूँ। अच्छा, I'm sorry, रात को मैं आपसे काफी बदतमीजी कर गया, sorry। कोई बात नहीं, अपनी पसंद का हक सबको हासिल है। तो फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? तू चाहे भी तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लग रहा है तुम्हें डर लगने लगा। किस बात का डर? हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने। आ बेटा, मगर अल्ट्रासाउंड की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरे घर आने वाला मेहमान बेटा है कि नहीं। कौन था वो लड़का?